नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं खबरी बाबू। नीतीश भी नरम नहीं, अब आक्रामक जेडीयू आरसीपी सिंह शिवसेना जैसी पार्टी बनाने में जुटे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लेकर नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह अपने फैसलों से सबको चौंका रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू की पहचान एक नरमपंथी पार्टी के तौर पर थी, लेकिन अब आरसीपी सिंह इसे आक्रामक बनाने में जुट गए हैं। आरसीपी सिंह की तैयारियां बताती हैं कि वह आक्रामकता के मामले में जेडीयू को शिवसेना की तरह खड़ा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जेडीयू के नेता विपक्ष के निशाने पर पलटवार करते थे, लेकिन अब नए दौर में आरसीपी सिंह ने पार्टी के नेताओं को ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की नीति पर चलने का निर्देश दिया है। अब विपक्ष पर पलटवार की बजाय उस पर हमला बोलने की नीति अपनाई गई है। आरसीपी सिंह ने पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं समेत ऐसे नेताओं को निर्देश दिया है जो मीडिया के जरिए बयान देते हैं। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को जिस मुद्दे पर भी घेरने की आवश्यकता हो उस पर हमला किया जाए। विपक्ष पर हमलावर रहना जेडीयू की नीति का पहला हिस्सा बन गया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी के तमाम नेताओं और एक्टिव कार्यकर्ताओं को इसके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का निर्देश दे दिया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द खबरी बाबू।